नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे टिप्स लेकर। रोज़ाना मैं आपके साथ इसी तरह से कोरोना के महामारी के दौरान से जुड़ी हुई हूँ और अब तक कोई 90 के करीब वीडियोस जो हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। आशा है आप उसे देख भी रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है परिवार के बुज़ुर्ग व्यक्ति, चाहे वो माँ हो या बाप हो। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, उड़ जाएंगे तस्वीरों से वो रंगों की तरह, उड़ जाएंगे तस्वीरों से वो रंगों की तरह, वक्त की टहनी पर हैं वो परिंदों की तरह, वक्त की टहनी पर हैं वो परिंदों की तरह। हम जीते जी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं और परिवार में जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो उस विशाल बरगद की तरह होते हैं जिसकी छांव दूर तक गहरी चली जाती है, और जब तक वो घर पर बैठे हैं आपका ऊपर आशीर्वाद की छाया रहती है। पूछ के देखिए उन लोगों से जिनके माँ बाप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनका बचपन उस दिन छिन गया जिस दिन उनके माँ बाप वहाँ से चले गए। उन्हें घर की रीढ़ की हड्डी कहना उचित है, क्यों? क्योंकि वो उनके अनुभव, उनके तरीके, उनकी सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर आजकल ज़माना बदल चुका है, लोग बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रमों में छोड़ना शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं? माना कि आपकी बहुत मजबूरियां हैं, पर ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने हर दुख सहकर आपको झेला है, आप तक दुख की हवा आने नहीं दी, सब कुछ अपने ऊपर झेला है। तो आज हमारी इस पीढ़ी को क्या हो गया है कि हम अपने माँ बाप से घर पर ठीक बर्ताव नहीं कर रहे, उनके किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते। एक बात मान के चलिए कि बच्चे और बुज़ुर्ग एक बराबर होते हैं, हमें उनके लेवल पे जाकर उनको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बहुत बड़ी परेशानी में उनको तो रखेंगे ही रखेंगे, खुद को भी रखेंगे। कई बार क्या होता है, आप देखिए आजकल अखबारों में लगातार पढ़ने को मिलता है कि बुज़ुर्ग माँ बाप से रोज़ संतान मारपीट कर रही है, उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है और संपत्ति के पीछे झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये हमारे समाज और हमारी परवरिश पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा क्यों? बुज़ुर्ग व्यक्तियों की अनदेखी अगर हम करते हैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। माना कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो हैं कुछ ऐसे ऐसे व्यवहार कर जाते हैं जो कई बार हमारे लिए टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर उस केस में भी मैं कहूँगी कि हम उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और उनके मानसिक संबल को बढ़ा सकते हैं कि हमें चीज़ें आपसे ऐसे नहीं चाहिए। कई बार संतान जो है प्रॉपर्टी के लालच में बुज़ुर्गों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है और कई बार बुज़ुर्ग भी अपनी आदत ऐसी बना लेते हैं कि वो बार बार संतानों को तंग करते हैं। पर हम, क्योंकि जिस समय वो हमें पालने की अवस्था में थे तो उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला था, गलतियां हमने भी करी होंगी, तो आज बारी हमारी है। अगर वो कुछ गलतियां करते भी हैं तो प्यार से उनके पास बैठिए, उनका सुनिए कि वो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। मैं मानती हूँ कि कई बार बुज़ुर्ग उन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं होते, तो आप उनकी ऐसे व्यक्ति से बात कराइए जिसकी वो बात सुनने को तैयार हों। और अगर आपको लगता है कि आजकल वो ज़माना नहीं है कि किसी और व्यक्ति को घर के या पारिवारिक मुद्दों में बीच में डाला जाए, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं जो इन परिस्थितियों को अच्छे से समझेगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके बुज़ुर्ग जो हैं आपके घर में एक बरगद के पेड़ की तरह खड़े हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और जीते जी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए। मरने के बाद अगर आप पंडों के पास जाएंगे या उनका श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमने उन्हें जीते जी नहीं पहुंचा। जीते जी पूछना उन्हें बड़ा ज़रूरी है। अगर हम उन्हें अभी खुश करके भेजेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ खुश ही रहेंगे। तो हो सकता है कि वो कभी सक्रिय ना रहें, उनकी शारीरिक परिस्थितियाँ ऐसी ना रहें और हमें उनकी पूरी सेवा करनी पड़े। तो आजकल तो आपके पास बड़े सारे उपलब्ध हो गई हैं चीज़ें कि आप जो होम केयर वाले हैं उनको बुलाकर अपने बुज़ुर्गों की सेवा करा सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आती नहीं है, पर कोशिश करिए, बुज़ुर्गों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वक्त, दो चार हंसी खुशी के बोल और बैठकर
उनके एक्सपीरियंसेस सुन लीजिए। कई बार हमें एक्सपीरियंसेस सुनने बोर लगते हैं कि क्या ये अपना बार 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 वही बात रिपीट करी जा रहे हैं, पर यकीन मानिए सुनिए, उनसे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि इंसान की जो खूबसूरती है वो उसके चेहरे से नहीं, उसके आचरण से होती है। बुज़ुर्गों के सुनिए, उसको वृद्धाश्रम में मत छोड़िए। और दूसरी बात, अगर आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं तो कल को आपके अपने बच्चे भी हैं। तो आप सोच लीजिए, आप अपना भविष्य क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? आपको वृद्धाश्रम में जाना है या अपने माँ बाप की अपने घर पे सेवा करनी है? अपने बच्चों को उनसे जुड़ना सिखाइए, उनके पास बैठना सिखाइए, जो चीज़ें आप घर में ला रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, खाना पीना कीजिए उनके साथ बैठकर। उनको आपसे क्या चाहिए? गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, किस इंसान से नहीं। आप भी गलत हो सकते हैं, बुज़ुर्ग भी गलत हो सकते हैं, पर इस समय वो इस अवस्था में हैं कि उनकी आदतें नहीं बदलेंगी। जब उनकी आदतें नहीं बदलेंगी तो हमें ही अपने आप को उनके हिसाब से डालना होगा। जब बचपन में हम बच्चे थे, हम किसी चीज़ के लिए ज़िद करते थे, तो क्या माँ बाप हमें घर से बाहर किसी अनाथालय में छोड़ आते थे? विचारिए इस चीज़ को। क्या माँ बाप हमें अनाथालय में छोड़ आते थे? जब वो हमें अनाथालय में छोड़कर नहीं आए तो हम वृद्धाश्रम में उन्हें क्यों छोड़ने जा रहे हैं? मैं मानती हूँ उन बच्चों का, मैं फिर भी मानती हूँ कि ठीक है कि वो आज अपने वो बाहर रह रहे हैं और जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, अपने बुज़ुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रख पा रहे, माता पिता यहाँ उनके साथ बाहर जाना नहीं चाहते, उन बच्चों का ठीक है कि उनको कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पर जो बच्चे माता पिता के साथ रह रहे हैं वो ये इस बात को सुनिश्चित करें कि उन्हें वृद्धाश्रम में ना छोड़ें, उनकी पूरी सहायता करें, उनकी बातों को सुने, उनके एक्सपीरियंसेस को सुने। आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर इंसान का समय एक जैसा नहीं आना। आज बुज़ुर्गियत उन पे है तो कल हम पे भी आनी है। माँ बाप रहते हैं बहुमूल्य तब तक जब तक वो पालन पोषण करते हैं, पेट काट कर बच्चों का वो खुद भूखे सोते हैं, हो जाते हैं एक दिन वो बेकार सामान कब रद्दी की तरह, हो जाते हैं एक दिन वो बेकार सामान रद्दी की तरह। याद बहुत वो आते हैं जब वो दुनिया में रहते नहीं हैं। तो माँ बाप की कदर करना सीखिए, बुज़ुर्ग माँ बाप के आशीर्वाद लेना शुरू करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरे रिटर्न में मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो आप drrenuarora.in पे जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर मेरी बोली हुई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।